कोई प्रोडक्ट आप चाहते हो उसकी क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? रॉ मटेरियल। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारा माइंड है या जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो ऐसी हो जाए जो बड़ी कमाल की हो, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को कोई भी सोल्यूशन निकाल सके। तो इसका रॉ मटेरियल क्या है? माइंड का, ब्रेन का रॉ मटेरियल क्या है? इंफॉर्मेशन जो आप अपने अंदर डालते हो। इसको हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, देखते हैं उल्टे सीधे रियलिटी शोज, उल्टी सीधी न्यूज पढ़ते रहते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अंदर गार्बेज भर रहे हैं और हम चाह रहे हैं हमारी लाइफ में खुशबू आए, बदबू ही आएगी ना। तो रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? कुछ अच्छा होना चाहिए। अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं अच्छा रॉ मटेरियल का मतलब क्या। यानी दिन में डेली कम से कम आधा घंटा कुछ अच्छा सुनना है, कुछ अच्छा देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वो चाहे मुझे सुनो चाहे किसी और को सुनो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ कमाल की इंफॉर्मेशन अंदर डालना, वो इंफॉर्मेशन क्या कमाल की और क्या नहीं है ध्यान से समझ लेना। एक इंफॉर्मेशन होती है दवाई के जैसे कि आपको टेम्पररी बेसिस पे चार्ज अप कर दिया, मोटिवेट कर दिया, एक्साइटेड कर दिया, तो क्या हुआ, कुछ देर के लिए आप अपनी प्रॉब्लम को भूल गए, कुछ देर में आप रिलैक्स हो गए, टेम्पररी सोच। और जिस इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं, जो एक्चुअल में कमाल की है, जो एक्चुअल में कमाल का रॉ मटेरियल है, वो क्या है? विच मेक्स यू थिंक, थिंक इन द राइट डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, आपकी सोचने की मसल्स बन रही है। क्योंकि इस दुनिया में लोगों को ये तो पता है वरी क्या होता है, ये नहीं पता कंस्ट्रक्टिवली सोचना क्या होता है। वरी मतलब क्या, ऑटो पायलट पे कुछ अंदर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कुछ भी हमने अपनी दुनिया बनाई हुई है उसी में, मेरी लाइफ खराब है, मेरी लाइफ खराब है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं, मेरी लाइफ में, मेरी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको सही डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर कर दे, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको आपके पास ले आए, दैट इज द राइट इंफॉर्मेशन। आपको खुद से जो भी दूर कर रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको खुद से दूर करती है, वो आपको फंसा रही है इस दुनिया में। सॉल्यूशन तो सारा यहां है, जो आपको यहां ले खुद के पास। जिस इंफॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद में आपके मन में ये थॉट्स आता है कि यार इस दुनिया को बदल देना है, न्यूज में होता नहीं तो सुनते हैं, तो इस दुनिया का क्या हाल हुआ पाए, अरे दुनिया को छोड़ो, आपका पता है खुद का क्या हाल है अंदर। एक इंफॉर्मेशन है जो आपको इस दुनिया में भगाती है, जितना भगाती है उतना ही आप थकते हो, फिर हार करके बैठ जाते हैं। दुनिया में जितना मर्जी भाग लो, बहुत बड़ी दुनिया है, इधर उधर भागते रहो, इधर उधर कुछ करते रहो, एंड में मिलना कुछ नहीं। फिर तो पता नहीं कितने तरह के लोग कहां कहां से आ करके मिलते हैं, कहीं कहीं मिल जाते तो अपना शुरू हो जाते हैं कि सर मैंने दुनिया के लिए इतना किया 20 साल, और क्या मिला मुझे, मैंने तुझे किसने कहा था? मैंने कहा दुनिया ने आकर के तुझे नहीं पकड़ा था, ये तेरी अपनी खुजली थी, तो खुजली हो जाती है तो रुका नहीं जाता ना। तो इंफॉर्मेशन कौन सी अच्छी है, जो आपको आपके पास है, जो आपको सोचने पे मजबूर करे, जो आपको खुद को बदलने पे मजबूर करे। ये था पहला। और हम क्या करते, डेली कुछ ना कुछ अच्छा करना है ऐसे लोगों के लिए जो बदले में आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। ज़्यादातर जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं वो पता है क्यों है, क्योंकि कभी लाइफ को ध्यान से समझा है नहीं। तो भलाई का मतलब क्या समझते हैं, जब भी मैं कहता हूँ कि किसी के लिए कुछ कर देना, किसके लिए करते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फिर रोते रहते हैं जिंदगी में। आपको कोई दोस्त आया अपना दुखड़ा रोता हुआ, यार मेरे को एक नया मोबाइल फ़ोन लेना है 40,000 रुपये का, मेरे पास में 39,000 शॉर्ट पड़ा, 1,000 रुपये तो है ना, दे देना भाई, तेरे को बोनस मिला है, दे देना भाई। भाई नहीं है क्या, भाई नहीं है क्या, मैंने तुझे कितनी हेल्प करी थी, याद है वहां पे मूवी देखने में, वहां मैंने पैसे दिए थे 250 रुपए। तो आप भी इमोशनल हो गए, आपने कहा यार अभी अभी मैंने इसकी अच्छी अच्छी बातें सुनी है संदीप भाई, समझता ही नहीं कि हाँ कभी कोई भूखा मिले तो उसको कुछ दे देना, यही वक्त है, ये भूखा आया है मेरे सामने, इसको देना है मुझे 39, दिया ले चेक काट के ले भाई, लौटा देगा ना? हाँ बिल्कुल लौटाऊंगा। उसके बाद जिंदगी भर रो रहे हैं बैठ कर, गोचू है ऐसे। तो क्या मैं किस किस एक्ट ऑफ काइंडनेस की बात करूं, मैं क्या कह रहा हूं कि जो अच्छी इंफॉर्मेशन अंदर गई उसको प्रैक्टिस में लेकर गया अपनी ग्रोथ के लिए। अब क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड चीजें हैं, यानी कहीं पर जा रहे हो सड़क पे, गाड़ी में हो, बाइक पे हो, जैसे भी हो, सामने से कोई रोड क्रॉस कर रहा है, रुक जाओ,
हम क्या करते हैं, चढ़ा देते तो दिख रहा है जब तक के हो बेचारे, मतलब गिर ना पड़े वो, तब तक रोकते ही नहीं। इतनी छोटी सी चीज कर सकते हो, नहीं कर सकते? कहीं पे ऑफिस में जा रहे हो, लिफ्ट में आप गए और एकदम से दूर से कोई दिख रहा है आता और हम ऐसे इधर उधर मुंह, वो कहाँ है, कौन है? तो इन घटिया हरकतों को थोड़ा सा अगर आप कम कर दो, इन घिनौनी हरकतों को, दिस इज कॉल्ड लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। लिटिल, इसमें गया क्या आपका? कुछ सेकंड ही तो गए ना। और वो आया बंदा या बंदी जो भी है, उसने एक हल्की सी स्माइल पास करी तो कुछ अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ हुआ अंदर से या नहीं हुआ? वो कुछ नहीं भी करते, आपको तो अच्छा फील हुआ ना। इस अच्छा फील होने की क्या वैल्यू है, कभी समझने की कोशिश करी हमने? हमें पैसे की वैल्यू तो पता है, सुबह से रात तक पैसा 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 करते रहो, हाँ इसका तो हमको वैल्यू पता है, इसकी क्या वैल्यू है? जो इंसान अंदर से दिल से अच्छा होता है उसके साथ में लोग कैसे जुड़ते हैं? दिल से जुड़ते हैं, दिमाग से जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं। और जो दिमाग से बड़ा शातिर होता है लेकिन दिल से घिनौना होता है उसके साथ भी लोग जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? अपने मतलब के लिए। अपना काम निकालेंगे, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो ये बंदा अकेला ही जिएगा, अकेला ही मरेगा जो सेल्फिश है। तो सेल्फलेस होकर के आप इस दुनिया पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आपने किसी के लिए लिफ्ट नहीं भी रोकी तब भी ये थोड़ी कि उसके पास लिफ्ट आएगी नहीं कभी भी, या आपने रुके तो ये थोड़ी है कभी वो रोड क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगा, ऐसा थोड़ी है। कुछ सेकंड बाद हो जाएगा। इसमें किसका फायदा हो रहा है? उसका नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। ऐसा बंदा जिसको इस बात की इंपॉर्टेंस समझ आ जाए जो बात मैं कर रहा हूं, उसकी जो रिलेशनशिप्स है वो इतनी कमाल की हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। उसके साथ में जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो इस तरीके से जुड़ते हैं दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से जुड़ते चले जाते हैं उसके साथ। वी टेंड टू एक्सपीरियंस दीज लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय, दीज लिटिल मोमेंट्स ऑफ लव। प्यार मतलब क्या? कि आपके दिल में सामने वाले के लिए भी जगह हो। जितनी ज्यादा जगह है उतना ही ज्यादा यू आर एक्सपीरियंसिंग द स्टेट ऑफ। धीरे धीरे अगर ये बड़ा होने लग जाए, छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से बड़ा होता है, धीरे धीरे इसमें जगह बढ़ने लग जाती है, आपकी फैमिली के लिए आती है, फिर औरों के लिए, फिर औरों के, पूरी दुनिया के, सिर्फ इस प्लैनेट के लिए, पूरे यूनिवर्स के, फैल गए हो चारों तरफ, फैले फिजिकली नहीं, फैल गए हो, ये वाला फैलना नहीं, दिल के लिए, आपका जो दिल है वो हर तरफ खुला हुआ है। जितना आपका दिल एक्सपैंड होता है, जितने आप एक्सपैंड होते हो उतना ही आप अच्छा फील करते हो। जैसे कुछ दिन पहले हुआ था, मैं और मेरी वाइफ और बच्चे, हम लोग हर संडे जाते हैं मूवी वूवी घूमने फिरने के लिए, तो एक रेड लाइट पे बच्चा आया, थोड़ा चला, उसने क्या किया, वो अपना एक हाथ में उसके गुलाब था, उसने ले करके गाड़ी पे वो जो नहीं होता सामने का जो शीशा होता है वाइपर के पास में, वहाँ पे अटका दिया और रेड लाइट एकदम से ग्रीन हो गई। तो मेरी हवा टाइट, मैंने कहा यार मैं कैसे लेकर के चला जाऊँ, मतलब बड़ा प्लान था उसका तगड़ा ये कि भाई अब तो मैंने दे दिया, तो बंदा गाड़ी में है अब लेके तो भागेगा नहीं, कुछ तो दे के जाएगा। तो मैंने क्या किया, आगे जाकर मैंने गाड़ी रोक, वो आया भागता हुआ, उसको लगा अब तो भाई पैसे मिले। मैंने पहले तो उसको गुलाब उसको प्यार से वापस किया, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे ये लो प्लीज, हाँ मैंने कहा अब ये दुकान है यहाँ पर, तेरे को जो खाना है जो पीना है ले, पैसा एक रुपये नहीं, सीधा सा बंदा है पैसा नहीं, क्योंकि इन सबके पीछे माफिया होता है, उनके हाथ में नहीं आता है, ज़रा पीछे चला जाता है और वो माफिया और स्ट्रांग हो जाता है। बट वो बच्चा जिंदा है बिल्कुल आपकी तरह, मेरी तरह, मेरे बच्चों की तरह, उसके अंदर भी दिल है, उसकी भी सांसें चल रही, उसको जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए ना, जो पैसा उससे लेते हैं उसको देते कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, आराम से वहाँ पर गाड़ी लगाई, उसको पकड़ा, मैंने कहा तेरे को जो खाना है खा ले,